It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. इस वीडियो में मैंने माइंड रिव्यू क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। माइंड रूल्स 1955 में रूल नंबर 29B में जो इनिशियल और पीरियोडिक एग्जामिनेशन है, इसको मूल तथा आवर्ती जांच भी कहते हैं, इनके बारे में। तो जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो माइन में अगर कोई व्यक्ति नया एम्प्लॉय हुआ है, नया उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उसकी की जाती है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो माइन में पहले से वर्क कर रहा वर्कर, उसकी जांच की जाती है पीएमई, यानी कि पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये जो एग्ज़ाम है वो मैनेजर ओनर करवाएगा। जो मैनेजर जो है वो नोटिस देगा एग्जामिनेशन के लिए। और ये 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए थे, जैसे कि जो 45 ईयर से ज़्यादा के व्यक्ति हैं उनकी पीरियोडिक मेडिकल जांच होगी हर 3 साल पे, और जो व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा के हैं उनकी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हर साल की जाएगी। और इसमें एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्सन माइनिंग और एस्बेस्टस माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी जो पीरियोडिक जाँच है वो हर 12 महीने पर की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो मे बी ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन शैल बी कैरिड आउट एट इंटरवल नॉट मोर देन। खान में नियुक्त व्यक्तियों की पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कितने समय के इंटरवल पर की जाएगी? तो इसके ऑप्शंस हैं 3 साल, 5 साल, 1 साल या 4 साल। तो इसका राइट आंसर है 5 साल। 5 साल में एक बार पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी हर उस व्यक्ति की जो खान में नियुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन हु आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग और माइलिंग ऑफ एस्बेस्टस शैल बी डन एट लीस्ट वंस इन एवरी। अगर कोई व्यक्ति एस्बेस्टस के माइलिंग या माइनिंग के काम में है, तो उसकी पीरियोडिकल मेडिकल जांच कितने समय पर की जाएगी? इसके ऑप्शंस हैं 6 महीने, 3 महीने, 3 साल या 12 महीने। तो इसका राइट आंसर है 12 महीने। हर 12 महीने पे उसकी पीरियोडिक मेडिकल जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजर ऑफ माइन शैल गिव एट लीस्ट प्रायर नोटिस टू द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी माइन के मैनेजर को कितने दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है उस पर्सन को जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है? इसके ऑप्शंस हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन। इसका राइट आंसर है 20 दिन। 20 दिन पहले मैनेजर को नोटिस देना पड़ता है पर्सन को प्री मेडिकल एग्जामिनेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजर ऑफ माइन शैल गिव प्रायर नोटिस टू द पर्सन टू बी एग्जामिन फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन इन विच फॉर्म। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैनेजर कौन से फॉर्म में नोटिस भेजेगा? इसके ऑप्शन हैं फॉर्म एम, फॉर्म एन, फॉर्म पी या फॉर्म ओ। तो इसका राइट आंसर है फॉर्म एम। फॉर्म एम में वो नोटिस भेजेगा, और नोटिस 20 दिन पहले भेजेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर पीएमई और आईएमई शैल बी इशूड इन। मेडिकल एग्जाम पास कर लेने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में इशू किया जाएगा आईएमई और पीएमई का? तो इसका ऑप्शन है फॉर्म एम, फॉर्म एन, फॉर्म पी या फॉर्म ओ। तो इसका राइट आंसर है फॉर्म ओ। फॉर्म ओ में मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आईएमई और पीएमई एग्जाम पास करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपेलेंट मेडिकल बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑफ माइंस रूल 95। यानी कि अपेलेंट मेडिकल बोर्ड जो है वो माइन रूल 1955 के कौन से सेक्शन के अंतर्गत
कंस्टिट्यूट किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 29B, 29K, 29J, 29C। तो इसका राइट आंसर है 29K। माइन रूल 1955 के सेक्शन 29 के अधीन अपेलेंट मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है। PME शैल बी डन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेट डाउन इन विच फॉर्म। मतलब PME जो है यानी कि पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन की जांच कौन से फॉर्म में बताए गए स्टैंडर्ड के अनुसार होगी। इसके ऑप्शंस हैं फॉर्म M, फॉर्म N, फॉर्म P या फॉर्म O। तो इसका राइट आंसर है फॉर्म P। फॉर्म P में बताए गए स्टैंडर्ड के अनुसार PME की जांच की जाएगी। और वो स्टैंडर्ड होंगे जैसे आंखों की रोशनी कितनी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, ये सब बातें, ये सब स्टैंडर्ड उसमें फॉर्म पी में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IME शैल बी डन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेट डाउन इन विच फॉर्म। यानी IME जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है उसकी जांच कौन से फॉर्म में बताए गए स्टैंडर्ड के अनुसार होगी। इसके ऑप्शंस हैं फॉर्म M, फॉर्म N, फॉर्म P, फॉर्म P1। तो इसकी जो जांच होगी वो फॉर्म P1 में बताए गए स्टैंडर्ड के अनुसार होगी। तो राइट आंसर इज D, फॉर्म P1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपेलेट मेडिकल बोर्ड फॉर विच पर्पस। अपेलेट मेडिकल बोर्ड का गठन कौन से पर्पस के लिए किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन, दूसरा है फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सैनिटेशन इन माइंड, तीसरा है फॉर द इंक्वायरी ऑफ फैटल एक्सीडेंट इन माइंड, चौथा है नन ऑफ द एवब। तो इसका राइट आंसर है फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन। अगर कोई व्यक्ति IME और PME में अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो वापस से मेडिकल के लिए रीअपील कर सकता है अपेलेट मेडिकल बोर्ड को 30 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपेलेट मेडिकल बोर्ड इशू मेडिकल सर्टिफिकेट इन विच फॉर्म। अपेलेट मेडिकल बोर्ड जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म पे इशू करता है। इसके ऑप्शंस हैं फॉर्म P, फॉर्म Q, फॉर्म R, फॉर्म S। इसका राइट आंसर है फॉर्म S। फॉर्म S में मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करता है अपेलेट मेडिकल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कमैन इंस्पेक्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन एक्सीड। खान में कितने व्यक्तियों की संख्या होने पर वर्कमैन इंस्पेक्टर का गठन किया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं 499, 500, 1500 या 150। तो इसका राइट आंसर है 500। 500 व्यक्तियों की संख्या एक्सीड होने पर वहां पर वर्कमैन इंस्पेक्टर का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी देयर इन अ माइन वेयर 3000 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 6। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 500 आदमी एक्सीड करने पे वहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए, तो वहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या तो 3 हो जाएगी। और उसके बाद अगर 1500 से ज़्यादा माइन में पर्सन एम्प्लॉयड हैं तो उसमें हर 1000 पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए माइनिंग फील्ड का। तो 500 पर तीन वर्कमैन इंस्पेक्टर और 2500 पे दो वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो टोटल करने पे पांच वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए अगर माइन में 3000 आदमी एम्प्लॉयड है। तो अगर यही 3500 आदमी होते हैं तो 3500 पे 6 वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए। और तीन वर्कमैन इंस्पेक्टर के बाद जो एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर आएगा वो माइनिंग फील्ड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर हाउ मैनी डेज इन अ वीक। इसके ऑप्शंस हैं 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन या 4 दिन। यानी कि एक जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो कितने दिन वर्कमैन की ड्यूटी करेगा एक वीक में। तो इसके ऑप्शंस बताई दिया है मैंने, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 1 दिन। तो इसका राइट आंसर है वो 2 दिन। वो 2 दिन जो है वो वर्कमैन की ड्यूटी निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म्स ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर इज ऑप्शंस आर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 12 मंथ्स, 5 ईयर्स। यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का ऑफिस टर्म कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 3 ईयर्स। 3 साल तक वो अपना कार्यभार संभालता है और उसके बाद फिर वो एक बार रीनॉमिनेशन के लिए एलिजिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल मेंटेन हिज रिपोर्ट इन विच फॉर्म। ऑप्शंस आर
फॉर्म आर, फॉर्म एस, फॉर्म टी, फॉर्म यू। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट कौन से फॉर्म में मेंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर है फॉर्म यू। फॉर्म यू में अपनी वो रिपोर्ट मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑफ डैश माइन रूल्स 1955। यानी कि सेफ्टी कमिटी का गठन माइन्स रूल 1955 के कौन से सेक्शन के अधीन हुआ है? इसके ऑप्शन है 29 के, 29 क्यू, 29 वी, 29 टी। तो इसका राइट आंसर है 29 टी। 29 टी के तहत कमिटी का गठन हुआ है, सेफ्टी कमिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड इन अ माइन वेयर मोर देन डैश नंबर ऑफ पर्सन्स आर इम्प्लॉयड। यानी कि माइन में कितने पर्सन्स इम्प्लॉयड रहने पर सेफ्टी कमिटी का गठन किया जाएगा? इसके ऑप्शन हैं 100 आदमी, 150 आदमी, 500 आदमी या 1500 आदमी। तो अगर किसी भी माइन में 100 से ज़्यादा पर्सन इम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर सेफ्टी कमिटी का गठन किया जाएगा। माइन रूल 1955 के सेक्शन 29 टी के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंस्टिट्यूट अ सेफ्टी कमिटी। सेफ्टी कमिटी का गठन कौन करता है? इसके ऑप्शन है ओनर, एजेंट, मैनेजर या तीनों। तो इसका राइट आंसर है तीनों। ये तीनों मिलकर सेफ्टी कमिटी का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमिटी। सेफ्टी कमिटी का चेयरमैन कौन बनेगा? इसके ऑप्शंस हैं मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वर्कमैन इंस्पेक्टर या एजेंट। तो इसका राइट आंसर है मैनेजर। मैनेजर जो है वो सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द कमेटी। कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा? ऑप्शंस हैं मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वर्कमैन इंस्पेक्टर या एजेंट। तो इसका राइट आंसर है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कमिटी का सेक्रेटरी होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज देयर आर 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर इन अ माइन, हाउ मेनी पर्सन मे बी एम्प्लॉयड इन दैट माइन। यानी अगर किसी माइन में 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर हैं तो वहां पे जो पर्सन इम्प्लॉयड हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? इसके ऑप्शन है 1600, 3000, 1500 या 2800। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।